इस तरह से दूध में भीगी हुई सूजी का दानेदार और रसीला हलवा बनाने के लिए चलिए मेरे साथ, नजदीक से दिखाती हूँ आपको कितना स्वादिष्ट ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है, नवरात्रा का सीजन चल रहा है, आप कन्या पूजन में नवमी में ये हलवा बनाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। इतना स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होता है, या ऐसे भी आपको कभी मीठा खाने का मन करे तो ये हलवा फटाफट खा सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ। नवरात्रा का सीजन चल रहा है और उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कप इस कप से सूजी लिया है बारीक वाली, तो मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, दूध में भीगा हुआ बिल्कुल दानेदार रसीला हलवा। आजकल दशहरा का नवरात्रि सीजन चल रहा है और नवमी में ये आप कन्या पूजन में बना सकते हैं, कन्या को खिला सकते हैं। हर जगह पे लगभग जगह बनता है हलवा और चने की घुगनी। तो चने की घुगनी मैंने डाल रखा है वीडियो, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके चेक कर सकते हैं। चना का घुगनी बिना लहसुन प्याज का मैंने बनाया है। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो इस कप से मैं सारा मेजरमेंट करूँगी। तो एक कप मैंने लिया है सूजी बारीक वाली, और क्या करूँगी मैं इसी में जितना मैंने सूजी लिया है सेम उतना ही मैं दूध लूँगी। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक कप इसमें इस तरह से डाल देती हूँ और डालकर अच्छे से मिला देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मिला देती हूँ, और मिलाने के बाद मैं इसे ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से दूध में सूजी फूल जाए। देखा आपने इस तरह से कितने अच्छे से मिल गया। अब मैं इसे साइड कर देती हूँ और ढक देती हूँ। तो जब तक सूजी फूल रहा है तब तक मैंने क्या किया, दूसरे साइड एक तो बाउल ले लिया, चढ़ा दिया, उसमें मैं डाल देती हूँ आधे कप चीनी। छोटे वाले कप से आधे कप मैंने डाला है। अब इसी से चीनी में मैं पानी डालूंगी। पानी इतना चीनी है उसका 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए, 3 गुना। तो मैं क्या करूँगी, इसी कप से 2 कप पानी डाल देती हूँ, 2 से 3 कप पानी डाल देती हूँ। देखिए 1 कप 2 कप, आधा कप और डाल देती हूँ, ये हो गया 2.5 कप पानी मैंने डाल दिया। अब क्या करूँगी, कैसे उबाल आने दूंगी। अब बहुत ज़्यादा इसका चाशनी हमें तार वाली नहीं बनानी है, बस इसमें एक बॉयल आ जाए तब तक मैं इसे बॉयल कर लेती हूँ। तो देखिए चाशनी मेरा पूरा घुल चुका, चीनी चाशनी बन गया। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना था, इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। काफ़ी अच्छे से चाशनी मेरा तैयार हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल दूंगी। आप चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है हलवे का। आपको अगर ना पसंद हो या आपके पास ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मिल गया। अब मैं क्या करती हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ और चलती है दूसरे साइड। दूसरे साइड मैंने पैन चढ़ा रखा है गैस पे, इसे जला देती हूँ गैस को। तो देखिए गैस को मैंने जला दिया है, पैन गर्म हो रहा है। तब तक मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी। देख रहे, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या किसी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल में ना बनाए। लेकिन घी में इस हलवे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो देखिए घी गर्म हो रहा है, घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँगी। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, बहुत लोगों को बिना फ्राई का ही पसंद होता है, तो फ्राई करके मैं डालूंगी। तो देखिए घी गर्म हो गया, तो इसमें डाल देती हूँ यहाँ पे बादाम, बड़े वाले बादाम है, इसे भून लेती हूँ हल्का। देख रहे हैं गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ, तो बादाम भूनती हूँ। देखिए बादाम हल्का भुना के है, तो मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे काजू को भी मैंने कट करके लिया है, इसे अच्छे से मिला के भून लेती हूँ। देखिए कलर चेंज होने लगा है। तो अब मैं इसमें डालूंगी, यहाँ पे मैंने नारियल, सूखे जो नारियल होते हैं उसे इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए भून लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भूना, बस कुछ सेकंड्स के लिए। घी काजू और बादाम में भुना चुके थे तब मैंने नारियल डाला है। देखिए नारियल भी लगभग भुना चुका,
बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तब मैं क्या करूंगी, इसमें लास्ट में मैं डालूंगी किशमिश। देख रहे, डालकर और गैस को ऑफ कर देती हूँ। ऐसे अच्छे से भून कर निकाल लेती हूँ। इसे इस तरह से साइड कर लेती हूँ ताकि घी मेरा एक्स्ट्रा हो निकल जाए। और उसके बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। और सेम पैन में मैं क्या करूँगी ना, एक से डेढ़ चम्मच और घी डाल देती हूँ। तो देखिए, एक चम्मच पहले से जो मैंने एक चम्मच डाला था उसमें घी बचा हुआ, और आधे चम्मच मतलब दो चम्मच का होगा। इसे अच्छे से मेल्ट होने देती हूँ। जब तक घी मेरा गर्म हो रहा है तब तक आपको दिखा दूँ कि देखिए यहाँ पे सूजी भी फूल गया है। 10 मिनट का हो गया है, 10 मिनट अच्छे से फूल गया है, दूध को सोख कर लिया है, देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, सूजी को इस घी में डालूंगी इस तरह से। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम रखूंगी। इस तरह से सभी सूजी को मैं डाल देती हूँ इस तरह से। तो बर्तन में लगे उसे भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह डालकर मैं इस तरह अच्छे से मिला लूँगी लगातार। तो अभी स्टार्टिंग में ये गुठलियाँ पड़ने लगेगी, तो आप घबराइएगा नहीं। अभी ये जैसे जैसे गर्म होंगी ना सूजी, गुठली अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना है जब तक कि इसमें से घी छोड़ नहीं देता और कलर नीचे जाता, तब तक इसको भूनने में लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। इसे लगातार चलाते हुए भूनूंगी। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखूंगी और चलाते हुए इसे भून लेती हूँ इस तरह से। देखिए, इसका गुठलियाँ ख़त्म होने लगा है। इस तरह से चलाते हुए पका लेती हूँ, कलर चेंज हो जाए फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, इसको भूनते हुए 10 मिनट लगभग हो गया है, कलर चेंज होने लगा है, देख रहे हैं इस तरह से। तो मैं क्या करूंगी, इसमें एक चम्मच और घी डाल देती हूँ ऊपर से। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस हलवे का। इसकी खास बात है कि आप ऐसे भी खा सकते हैं, नवरात्रि में भी कन्या पूजन में आप कन्या को खिला सकते हैं इसे, या ऐसे आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो फटाफट से इसे घर पर बना सकते हैं। ज़्यादा से कोई मेहमान आ जाए, दूध में भींगी हुई रसीली सूजी का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। और एक बार जो भी खा लेगा वो आपकी तारीफ के बिना नहीं रह पाएगा, इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आपने बहुत बार हलवा बनाया होंगे सूजी का, लेकिन एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा तो सभी तारीफ के फूल बांध देंगे। और आपसे हमेशा डिमांड करेंगे कि इसी तरह से सूजी का हलवा बनाएं। देखिए, लगातार चलाते हुए मैं चेंज ले रही हूँ, कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, और थोड़ा चेंज हो जाए तब तक मैं भूनती हूँ इसे। देखिए, 15 से 20 मिनट के लगभग हो चुके हैं, कितने अच्छे से भुना गया, कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें चाशनी को डाल दूंगी। मैंने चाशनी बनाकर रखा था चीनी का, उसे डाल देती हूँ इस तरह से। देखो, थोड़ा 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 करते हुए डाल देती हूँ और अच्छे से मिला देती हूँ इस तरह से। तो मिला कर पकने देती हूँ। देखो कितना अच्छा कलर आया है, ऐसा मैंने फूड कलर डाल दिया था। ऐसे अपना डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने डाला। देखिए कितना अच्छा दानेदार हलवा बनकर तैयार हो गया फटाफट से। इसको सर्व करेंगे एकदम आपकी तारीफ के बिना नहीं रह पाएगा। अगर मेरी पूरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेज पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भून कर रखे थे ना, इसे इसमें इस तरह से डाल देती हूँ और डालकर अच्छे से मिला देती हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। देखिए, तैयार हो गया मेरा दानेदार दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा रसीला। देखिए, आपको लग रहा होगा ना फटाफट से बना ले। कन्या पूजन में आप बना सकते हैं, नवमी के दिन से कन्या को खिला सकते हैं। और मैंने पहले चने का भी वीडियो डाला हुआ है जो बिना लहसुन प्याज का तो कन्या खिलाने के लिए बनते हैं ना, उस टाइप से तो आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, गैस को ऑफ कर देती हूँ और चलिए सर्व करती हूँ। तो देखिए, मैंने सर्व किया है, कितना अच्छा लग रहा है ये हलवा देखकर। देखो, नज़दीक से मैं दिखा दूँ आपको, एकदम रसीला दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से बहुत ही पसंद आने वाला है बहुत कम समय में।
आपके घर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो आप इस तरह से बनाकर खिला सकते हैं उन्हें, या फेस्टिवल बहुत सारा आ रहा है उसमें बना सकते हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन को इन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।